हूँ नेहा और आप देख रहे हैं दी गंडा। लव जिहाद कानून अभी सही से भारत में लोगों के बीच अपना रूप ले ही रहा था। लोग इस कानून को पूरी डिटेल में समझ ही रहे थे कि इस नए केस ने फिर से कई सवाल इस कानून को लेकर खड़े कर दिए। मामला वही इश्क का है, लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम। लड़की का नाम पिंकी और इसने 5 महीने पहले ही अपनी रजामंदी से एक मुस्लिम युवा राशिद से निकाह किया था। इनके आपसी रजामंदी के बीच अब बजरंगल आ गया है और इसके बाद जो ड्रामा हुआ वो वाकई देखने लायक है। कहाँ से बिलोंग कर, निवास कहाँ है आपका? दारा नगर गंज, बिजनौर, जिला बिजनौर है ना? ठीक है, तो ये कब से इस तरह का जो मामला संज्ञान में आया है, ये कब से आप चल रहा था? 24 जुलाई में शादी करी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। 24 जुलाई, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया इसको? इसको 5 महीना चल रहा है शादी को। 5 महीने चल रहा है। अच्छा, तो आज कहाँ आए थे आप जी? आज कांट में कहाँ आए थे? घर पे नहीं, आज नहीं, 3-4 महीने से रैली में। यहीं पे रैली काट में जी? 3-4 महीने से। कौन सा मोहल्ला था? और नाम क्या आपके, जो जिसके साथ आपने कराई कोर्ट मैरिज, क्या? राशिद। राशिद अपनी मर्जी से करी शादी? अपनी मर्जी से करी है, बालिग हूँ, 22 साल की हूँ। कब से अफेयर था तुम्हारा? 1-2 साल हो गए। देखिए, अभी हमें कार्यकर्ताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चला था जी कि एक देहरादून की हिंदू लड़की है जी, और एक मुस्लिम लड़के के साथ वो धर्म परिवर्तन कर रही कांट तहसील में जी। और मेरे ख्याल से सूचना ये भी है जी कि ये लोग कोर्ट मैरिज में यहाँ कर रहे थे। अच्छा, कांट तहसील में। हाँ, तो तत्काल से दोष लेना, तत्काल से जैसा हमें पता चला हमने अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दी जी। वो आए ये तहसील से निकल चुके थे, तो हमने इनका पीछा करते हुए यहाँ मोहल्ला पट्टी वाला में रविदास मंदिर के पीछे हम इन लोगों को पकड़ा है। अच्छा, हाँ, अभी इनसे सिर्फ इतना पूछा इनका नाम क्या जी, और अगली पूछताछ पुलिस के सामने होगी। इंस्पेक्टर साहब को फोन करता है और नाम इन्होंने बताया अपना, पिंकी। अच्छा, और देखें अभी बुरखा पहने खड़े, ठीक है। वैसे हम आपको बता दें, इससे पहले भी अलीगढ़ का एक वाक्य सामने आया था जिसमें लड़की चीख चीख कर कह रही है कि वो नाबालिग नहीं, बालिग है, लेकिन फिर भी महिला पुलिसकर्मी उसे जबरदस्ती पकड़ कर गाड़ी में ले जा रही है। मेरे प्यार को रोक लिया हमने, बहुत मारा हमें कोर्ट में, मेरे प्यार को रोक लिया भाई। यहाँ पे लड़की का नाम अंजलि है, मेरा नाम सोनू मलिक है। अब इन सब घटनाओं को देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों के निजी जीवन और पसंद में भी अपनी घुसपैठ कर रही है, और अगर आपको अपने धर्म से अलग शादी करनी है तो आपको योगी सरकार से अनुमति लेनी होगी। वाह योगी जी वाह, आपको पता है ना, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं जिसमें लोगों को अपना मूल अधिकार मिला हुआ है और वो अपना जीवन साथी भी अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। अब आप इसमें किसी भी तरीके से दखल नहीं कर सकते। ऐसे ही कंटाप खबरें और कंटाप वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दी कंटाप को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल दी कंटाप को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप तक ऐसे ही कंटाप खबरें पहुंचते रहे। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं।